वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो आज आप लोगों के लिए एक नया वैकेंसी आया है, यूपी पंचायत राज विभाग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसके एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, योग्यता, एप्लीकेशन फ़ी, एज, सैलरी सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। स्टडी से संबंधित नोट्स या पीडीएफ पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक सभी जगह शेयर जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इस एप्लीकेशन है जो कि आपका फॉर्म है वो कब से कब तक आप इसे भर कर आप अपने कार्यालय में जमा कर सकते हैं या फिर पंचायत, जिला पंचायत राज में। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर दो में यहाँ पर लिखा गया है कि जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय, विकास खंड कार्यालय एवं ग्राम पंचायत कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करने की जो अवधि है वो है आपका 2 अगस्त 2021 से लेकर 17 अगस्त 2021 तक। ये हो गया आपका आवेदन जमा करने की अवधि हो गया। और ये जो आपका नियुक्ति होगा आपका वो आपका 8 सितंबर से लेकर 10 दिसंबर तक है, जो कि पूरी प्रक्रिया है यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया बहुत ही तेज़ी से हो रहा है, तो आप लोग इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर है कि आपका एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा। यहाँ पर आप कोई भी कैटेगरी से हो या फिर जनरल हो, ओबीसी, एससी, एसटी या फिर पीएच, यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर नहीं है सभी कैटेगरी के लिए, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं एज क्या होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर, तो जनरल कैटेगरी के लिए अगर आपका एज 18 से 40 है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका जो एज जो काउंट होगा वो 1/7/2021 से काउंट होगा। लेकिन यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के लिए है जो कि छूट दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए जो कि अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष का यहाँ पर है जो कि छूट दिया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कि आपका योग्यता है जो कि क्या होना चाहिए। तो पहला यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि आप उसी ग्राम पंचायत के निवासी होना चाहिए जहाँ से आप आवेदन कर रहे हैं, और साथ ही आप है जो कि 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम है जो कि आप कहीं रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से है जो कि पास आउट होना चाहिए। ये दोनों चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि आप उसी ग्राम पंचायत के निवासी होना चाहिए जहाँ से आप आवेदन कर रहे हैं, और 10+2 इंटरमीडिएट है जो कि आप कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पास होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर आपका वेतन सैलरी कितना मिलेगा। तो यहाँ पर जो आपका वेतन है वो है आपका 6,000 रुपया, और ये जो आपका जॉब है वो संविदा के आधारित पर है जो कि 1 वर्ष के लिए है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और 1 वर्ष पूर्ण हो जाने के बाद यदि अभ्यर्थी का जो काम है अगर संतोषजनक पाया जाता है तो उसे 2 वर्षों के लिए है जो कि आगे बढ़ाया यहाँ पर जाएगा, अन्यथा जो कि दूसरे व्यक्ति को यहाँ पर मौका दे दिया जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये जो आपका भर्ती है वो संविदा के आधारित पर है, और जो आपका सैलरी है यहाँ पर वो है 6,000। तो अगर आप अच्छे से काम करते हैं तो आपका जो यहाँ पर जो आपका जॉब है वो 2 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका कि इस ऑफलाइन फॉर्म को आप कैसे पता कर सकते हैं अपने पंचायत में। तो पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना है जो कि ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा जारी की जाएगी, तथा यह सूचना है जो कि ग्राम पंचायत कार्यालय के सूचना पटल पर भी है जो कि प्रकाशित की जाएगी, और ये सूचना को प्रसारण हेतु डुग्गी पिटवाकर मुनादी भी ग्राम पंचायत में कराया जाएगा। तो आप अपने पंचायत में जाकर इसे देख सकते हैं सूचना पटल को। और ये आपका हो गया यहाँ पर संलग्न 2 नंबर फॉर्म है जो कि आवेदन पत्र का प्रारूप है, संलग्न 2। तो आप इसी फॉर्म को जो कि फिल करके है जो कि आपको जमा करना है। कहाँ जमा करना हम लोग आगे जानेंगे, क्या भरना है इस फॉर्म में मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। तो सबसे पहले जो कि यहाँ पर आपको यहाँ पर आवेदक का नाम भरना है, यहाँ पर आपको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, यहाँ पर हो गया। दूसरा नंबर में आपका पिता का नाम यहाँ पर भरना है, तीसरा में यहाँ पर जन्म तिथि यहाँ पर आपका अपना भरना है, फिर आपका यहाँ पर हो गया चौथा नंबर में आयु आपका कितना हुआ है 1 जुलाई 2021 तक है, और ये जो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है जो आपका वो आपके हाई स्कूल का जो आपका रिजल्ट है उसके अनुसार यहाँ पर आपको भरना है, जेंडर आपको यहाँ पर भरना है, फिर यहाँ पर हो गया कि आप किस श्रेणी से बिलोंग करते हैं,
फिर आपका यहाँ पर पत्र व्यवहार का पता यहाँ पर आपको अपना भरना है, फिर मोबाइल नंबर हो गया, फिर आपका जो शैक्षणिक योग्यता है आप यहाँ पर भर सकते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा। तो इसी फॉर्म को जो कि आपको जमा करना है, कहाँ जमा करना है, तो इसे आप पंचायत अधिकारी कार्यालय में जमा किया जाएगा, जैसे कि आपका हो गया ग्राम पंचायत अथवा संबंधित विकास खंड कार्यालय अथवा जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय में, जो कि आप इसे जमा कर सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका संलग्न नंबर 3 फॉर्म है, यह फॉर्म है जो कि आपका ग्राम पंचायत के मध्य किया जाने वाला जो एक अनुबद्ध पत्र है, संलग्न 3, ये जो फॉर्म है वो आपको बाद में जमा करना है। तो दोनों का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर से इस फॉर्म को जो कि डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप को टेलीग्राम पर जाना है, एग्जाम थ्योरी सर्च कर सकते हैं, या फिर इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, सभी जगह शेयर ज़रूर करें। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट ज़रूर करें, हम आपको उसका जवाब ज़रूर देंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।